रात का समय, पथरीले सड़क पर रेशम की साड़ी और सोने के आभूषण पहन के डरते हुए 25 साल की अनामिका दौड़ते हुए जा रही थी। कुछ ही दूर पर अनामिका को देखकर हाथों में जलती हुई मशाल लेकर राजशेखर और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों मिलकर दौड़ते हुए अनामिका को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ए, रुको रुको, मेरे हाथ में कोई मामूली सामान नहीं है। मुंह बंद करो, ये फालतू की बातें मत करो। मशाल लेके अनामिका के पीछे हमें भागना है। इस तरह कहते हुए अपने हाथों में ली हुई मशाल को अनामिका के पैर के तरफ वो फेंक देता है। जैसे ही वो मशाल जाके अनामिका के पैर पे लगता है, अनामिका जमीन पे गिर जाती है। राजशेखर और सुमित्रा अनामिका के पास आते हैं। अनामिका खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है और फिर रोते रोते, मैंने अपनी पूरी जायदाद आपके नाम लिख दिया चाचा, फिर भी आप मुझे मारने के लिए क्यों पीछे भाग रहे हैं? तुम जेवर लेके जो भाग रही हो, इसलिए। उसकी बातें सुनके तुरंत अनामिका अपने सारे जेवर को उतार के राजशेखर के हाथों में दे देती है। वो सब लेकर राजशेखर और सुमित्रा वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए मिट्टी के रास्ते से चलते हुए वो सीधा मेन रोड में जाके पहुँचती है। ठीक उसी वक्त शारदा और प्रसाद बात करते हुए गाड़ी से जा रहे होते हैं। मुझे बस एक ही चिंता हो रही है, अगर हमारा मिठाई का ऑर्डर कैंसिल हो गया तो। जब तुम्हारा बेटा रमेश वहाँ है, फिर तुम्हारा मिठाई का ऑर्डर कैसे कैंसिल होगा शारदा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, आगे भी ऐसा ना हो यही चाहती हूँ। शारदा ऐसा कह ही रही थी, तभी जब प्रसाद गाड़ी चला के उसी सड़क से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अनामिका को दुखी होकर रास्ते से जाते हुए देखा। अजी गाड़ी रोकिए जरा। उसके कहने पे प्रसाद अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। शारदा गाड़ी से उतर के अनामिका के पास जाती है। प्रसाद गाड़ी के पास ही इंतजार करते हैं। तुम कौन हो बेटा, इतनी रात में अकेले इस रास्ते से जा रही हो, ऊपर से रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ बेटा? इतना कहते ही अनामिका शारदा को गले लगाकर रोने लगती है। शारदा को समझ में आ जाता है कि आखिर में ये किसी गहरी मुसीबत में है। अनामिका पूरी बात बताती है तो शारदा को समझ में आ जाता है कि उसके चाचा ने अनामिका को कैसे धोखा दिया है। फिर वो अनामिका को अपने साथ घर ले जाती है। घर ले जाके वो अनामिका को पेट भर के खाना खिलाती है। उसके बाद अनामिका रोते रोते, माँ जी मैंने कभी माँ को नहीं देखा, पता नहीं माँ कैसी होती है, शायद वो आपकी तरह ही होती। ये सुनकर मजाक करते हुए प्रसाद कहते हैं, कुछ भी हो पर ऐसी नाटी और मोटी तो नहीं होती। ये सुनकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। शारदा प्रसाद को गुस्से से देखते हैं, पर अनामिका को हंसते देख वो खुश हो जाती है। उधर रमेश शारदा स्वीट शॉप बंद करता है। मिठाई के दुकान के सामने गाड़ी में हिमजा बैठी होती है और मिठाई खा रही होती है। ये क्या राम, मैं मिठाई खा ही रही हूँ कि तुमने दुकान बंद कर दिया, क्या कहना चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? अभी 11 बज रहे हैं हेमा, अभी भी दुकान खुला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे तुम मेरी कितनी भी सहेली हो, यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं लगता है। राम सुबह तुम्हारे आने से पहले मैं गाड़ी लेकर यहाँ आ जाती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, बातचीत करती हूँ, फिर तुम जब घर जाते हो उसके बाद मैं जाती हूँ, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? तुम मेरे दोस्त की बहन हो हिमजा, चलो गुड नाइट और अच्छे से जाना। इतना कहकर रमेश वहाँ से अपनी बाइक लेकर घर आ जाता है। सुबह सुबह जब अलार्म घंटी बजती है, शारदा की नींद खुलती है। वो घर से बाहर आके देखती है, अनामिका रमेश के कपड़े पहनकर घर के बाहर रंगोली दे रही थी। ये क्या अनामिका, तुमने मेरे बेटे के कपड़े पहने हैं? मेरे पास कपड़े नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, दुकान खुलने के बाद हम कपड़े लेने जाएंगे। ऐसा कहकर वो अनामिका के बनाए रंगोली देखने लगती है। मॉडर्न महालक्ष्मी मेरे घर खुद आई है, रंगोली बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह शारदा अनामिका की बहुत तारीफ करती है। अनामिका अब घर का काम काज, खाना पकाना सब करती है, साथ ही रमेश और प्रसाद का बहुत अच्छे से देखभाल भी करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर का काम खत्म करके वो मिठाई के दुकान में भी जाती है। वहाँ काउंटर पे शारदा बैठी होती है। वहाँ जाकर रमेश और अनामिका मिठाई बनाने लगते हैं और साथ ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये बात शारदा और प्रसाद को समझ में आ जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे, तभी एक दिन शारदा, अजी रमेश और अनामिका की शादी करा देते हैं, ये दोनों खुशी खुशी हमारे साथ भी रहेंगे और उसी के साथ दुकान की भी देखभाल करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था शारदा। ऐसा वो कह ही रही थी, तभी रमेश का दोस्त विक्रांत वहाँ आता है अपनी बहन हिमजा को साथ में लेकर। रमेश और अनामिका उस वक्त दुकान में मिठाई बना रहे होते हैं। आंटी ये मेरी बहन हिमजा, रमेश से प्यार करती है, वो शादी करना चाहती है, हम कर सकते हैं ना, और हम साथ में मिलके और भी मिठाइयों की दुकान खोल सकते हैं, क्या कहते हैं?
इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद आश्चर्य होते हैं, फिर सोच विचार करके बताएंगे ऐसा कहते हैं। फिर विक्रांत हिमजा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर शारदा और प्रसाद सोच विचार करके एक फैसला लेते हैं। फिर एक दिन हिमजा और अनामिका दोनों को साथ लेकर मिठाई के दुकान में पहुँचती है शारदा। अनामिका, हेमा, तुम दोनों रमेश को पसंद करती हो, पर रमेश किसे पसंद करेगा ये सवाल है। मैं तुम दोनों का एक परीक्षा लूंगी। अगर आप पहले ही बोलती कि आप टेस्ट लेने वाली हैं, तो मैं पहले से कागज कलम ले आती। सुनकर शारदा मुस्कुराती है, देखकर हिमजा का मुंह ही बन जाता है। मेरे जाने के बाद ये मिठाई का दुकान कौन संभालेगा, इसीलिए होशियार और अच्छी कारीगरी देखना है। जिसमें होगा वही मेरी बहू बनने लायक है। पहले बताइए किस चीज की परीक्षा है। मोती चूर लड्डू बनाना है और उन्हें बेचना है। जो भी ऐसा करेगा वो मेरे घर की बहू बनने लायक है। दोनों ही शारदा की बातों पर तैयार हो जाती है। फिर दुकान में दो स्टोव लगाया जाता है। वो सारा सामान दे देती है और अनामिका अपने काम में लग जाती है। पर हिमजा यूट्यूब देखने लगती है। उसका काफी समय निकल जाता है। अनामिका तौर तरीके जानते हुए मोतीचूर की लड्डू बनाने लगती है, पर हिमजा कुछ नहीं बनाती है। पूरा समय फोन देखने में ही बर्बाद कर देती है। अनामिका मोतीचूर लड्डू बनाकर उसे दुकान में बेचने लगती है, पर हिमजा कुछ भी नहीं बनाती है। पूरा वक्त वो फोन पे ही बर्बाद कर देती है। पर अनामिका चालाकी के साथ दुकान में आने वाले सभी लोगों से बात करती है और लड्डू बेचने लगती है। देखा हिमजा, अनामिका ने लड्डू बनाया और चालाकी से लोगों को वो लड्डू बेची भी। वही मेरी घर की बहू बनने लायक है। ये सुनकर हिमजा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर शारदा और प्रसाद मिलके रमेश और अनामिका की धूमधाम से शादी करवाते हैं। उन दोनों की शादी देखकर हिमजा मनी मन बहुत दुखी होती है, लेकिन उसी मिठाई के दुकान के बदौलत शारदा का पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। अमीर घर में एक सुंदर पूजा कक्षा में गणेश जी के सामने श्रद्धा पूर्वक बैठकर पूजा कर रही थी बहू अनामिका। विनायक के सामने दीप अगरबत्ती जल रहे थे। अनामिका हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहती है, हे स्वामी विनायक, सब घर पे सुरक्षित रहे। आप अपनी दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाए रखे, हमें आशीर्वाद दे स्वामी। इस तरह विनती करती है। फिर विनायक के पास से एक फूल लेकर वो अपने बालों में लगा लेती है। उसके बाद तुलसी के पेड़ के पास आती है। तब तक उसकी अमीर सासू माँ शारदा अपनी सहेलियाँ मालिनी, नागमणि, शिवानी के साथ मॉर्निंग वॉक खत्म करके घर लौट आती हैं। ठीक उसी वक्त आंगन में तुलसी पेड़ के पास बहू अनामिका दीप जला रही होती है। गुड मॉर्निंग भक्त बहू। गुड मॉर्निंग सासू माँ, आप जाके सोफे पे बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। इतना कहकर वो अंदर चली गई। अनामिका तुलसी पौधे के पास हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। हे तुलसी माँ, आप मेरे पूरे परिवार को सुख संपत्ति से भर दे माँ। इस तरह प्रार्थना करके अंदर चली जाती है। रमेश और प्रसाद भी अपनी सैर पूरी करके दोनों आके सोफे पे बैठते हैं। बहू अनामिका सासू माँ के लिए जूस बना कर ले आती है। ससुर जी प्रसाद के हाथों में अखबार बढ़ा देती है और पति रमेश को बूस्ट देती है। शारदा जूस पीती है, रमेश बूस्ट पीने लगता है और प्रसाद अखबार पढ़ने लगते हैं। सासू माँ, आज कहिए आपको क्या नाश्ता चाहिए। अंडे के साथ आज कुछ ट्राई करो बहू। अरे माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। सुबह सो के उठने से रात के सोने तक जब भी मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आप बस मुझे नॉन वेज खाना ही बनाने को कहती हैं। कोई चारा नहीं बहू, तुम विनायक की पूजा करती हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैंने उसे स्वीकार किया ना, अब तुम्हें भी उसी तरह स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। पिताजी, आपको क्या चाहिए। इडली बहू, मेरा स्वस्थ रहने का वही राज है। अब आपकी बारी श्रीमान, बताइए क्या चाहिए। पत्नी से जो प्यार करे वो जो भी पका के दे उसके लिए मना कर सकता है क्या। तुम जो भी पका के दो अनामिका, मैं उसी को खा के चुपचाप ऑफिस चला जाऊंगा। ये बात सुन के अनामिका शर्माते हुए वहाँ से किचन में चली जाती है। वहाँ अनामिका शारदा प्रसाद रमेश के जरूरत के मुताबिक नाश्ता बनाने लगती है। फिर आधे घंटे के अंदर शारदा प्रसाद रमेश तीनों आके डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। ये रहा माँ जी आपका एक डोसा, पिताजी आपका इडली, और आपके लिए ये रहा पूरी। फिर अनामिका वहाँ पे बैठे तीनों को अच्छे से नाश्ता परोस देती है। तीनों मजे से नाश्ता करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रमेश ऑफिस के फाइल्स लेके गाड़ी में बैठ के ऑफिस निकल जाता है। फिर प्रसाद भी
एक ब्रीफकेस लेकर दूसरी गाड़ी से निकल जाते हैं और शारदा सोफे पे बैठकर फोन पे बात करने लगती है। हाँ मालिनी, मैं तैयार हूँ। अभी अभी गर्मा गर्म एक डोसा खाई हूँ। तुम तैयार हो तो मेरे घर आ जाओ। इधर से शारदा कह रही थी, उधर से एक अमीर घर के बिल्डिंग के छत से मालिनी कह रही होती है, नहीं शारदा, मैं नहीं आ सकती। तुम, नागमणि और शिवानी मेरे घर पे आ जाओ। हम यहाँ पे कार्ड खेलेंगे, उसके बाद क्लब चले जाएंगे। ठीक है मालिनी, मैं तैयार हूँ, मैं ही आती हूँ। वहाँ पे आने के बाद नागमणि और शिवानी से पूछेंगे। इस तरह कहकर शारदा फोन रख देती है और फिर दूसरी गाड़ी लेकर वो घर से निकल जाती है। अनामिका घर के एक कोने में शांति से बैठकर गणेश की इतिहास की किताब पढ़ने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उस दिन विनायक चतुर्थी था। हर दिन के तरह उस दिन भी अनामिका सुबह सुबह उठ जाती है, सर से स्नान करती है, विनायक की पूजा करती है, घंटी बजाती है, आरती दिखाती है, फिर आरती के गीत गाकर विनायक की पूजा करती है। उधर अपने बेडरूम में लेटी हुई शारदा घंटी की आवाज सुन के घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में 5 बज रहे थे। ये देखकर शारदा चिड़चिड़ा जाती है। लगता है आज सुबह सुबह ये शुरू कर दी है। ऐसा सोच ही रही थी कि अनामिका शारदा के पास आती है। माँ जी, आज विनायक चतुर्थी है, उठ जाइए, अपना मॉर्निंग वॉक खत्म करके पूजा के लिए तैयार हो जाइए। वैसे पिताजी कहाँ है? लगता है वॉकिंग पे गए हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद अनामिका जल्दी जल्दी रमेश जो सो रहा था उसके पास जाती है। वो रमेश को जगाती है, फिर दोनों तैयार होकर हॉल में आते हैं। हॉल में अनामिका विनायक की स्थापना करती है। भक्तिपूर्ण हाथ जोड़ के वो विनायक की पूजा अर्चना करती है। वहाँ वो विनायक का मंत्र पढ़ती है, वो विनायक के लिए मोदक बनाती है, पर शारदा के लिए ये सब कुछ बोरिंग था। बहुत हो गया बहू, अब पूजा के बाद जाके चिकन बिरयानी थोड़ा बना देना। तो मेरी दोस्त लोग आ जा रही है, हम यहीं पे लंच करेंगे। अरे माँ जी, आज गणेश चतुर्थी है, आज मैं नॉन वेज नहीं बना सकती, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप अपनी सहेलियों से कहिए कि वो किसी और दिन आए। मैं अपनी सहेलियों को मेरे घर जब आने को कहूँगी वो आ जाएंगी। तुम्हारे विनायक आएंगे क्या? शारदा के सवाल पे अनामिका थोड़ी देर सोच विचार करती है और फिर जवाब में कहती है, जरूर आएंगे माँ जी, अगर वो आए तो उनकी पूजा जरूर कीजिएगा। तुम्हारी इस भक्ति से अगर घर पे देवता आ गए तो मैं भी उनकी जरूर पूजा करूंगी। शारदा जब ऐसा कहती है अनामिका बहुत खुश होती है। फिर अपनी आंखें बंद करके वो प्रार्थना करती है, पधारिए विनायक, मेरी सासू माँ की आंखें खोलिए। इस तरह कहने पे विनायक की मूर्ति घर से अदृश्य हो जाती है और स्वयं विनायक वहाँ साक्षात दर्शन देते हैं। ये देखकर प्रसाद रमेश के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। शारदा खड़ी होकर बस देखने लगती है। फिर अनामिका खुशी खुशी विनायक को विराजमान करवाती है। हे स्वामी विनायक, मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर आप यहाँ स्वयं आकर मुझे इस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, आपके लिए मैंने मोदक बनाया है और ये आपका पसंदीदा खीर भी बनाया है, खाइए स्वामी, ग्रहण कीजिए। इतना कहकर अनामिका गणेश के पास बैठ जाती है और हाथ से पंखा चलाने लगती है। भगवान गणेश प्रसन्न होकर मोदक खाते हैं। अनामिका, जो मोदक तुमने बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट है। ये मेरा सौभाग्य है, आप जरा खीर भी खाइए स्वामी। जरूर अनामिका, मैं तुम्हारे बनाए हुए खीर को भी खाऊंगा। ये कहते हुए विनायक अनामिका के हाथ के बनाए हुए खीर को भी ग्रहण करते हैं। अनामिका के साथ साथ शारदा, प्रसाद, रमेश सभी खुश होते हैं और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ वो हाथ जोड़ के विनायक की पूजा अर्चना करते हैं।